हे फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग है स्पेशली नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग है आपके लिए, जिसमें मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नो कांटेक्ट जोन में हैं, उनके पर्सन की उनकी तरफ क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले हम लव ओरेकल डेक से चेक कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। नो कांटेक्ट के भी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन्स की उनकी तरफ क्या एनर्जीज हैं। ओम नमः शिवाय। सो फर्स्ट कार्ड हमारा निकल के आया है सेक्सुअलिटी, अमेजिंग। नेक्स्ट कार्ड हमारा निकल के आया है सेक्सुअल फ्रीडम। ओ माय गुडनेस, आई एम सो हैप्पी। ये कार्ड देख कर ना मेरा दिल सही में गार्डन गार्डन हो गया। ल्यूमिनोसिटी, ग्रेट। बॉटम में है हमारा सोलमेट्स। वाओ, आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, इस जन्म से नहीं जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। एंड वन मोर कार्ड फ्रॉम बॉटम, द डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एंड द गार्डनर। मेरे को एक कार्ड चाहिए था बट दो आए हैं, मैं दोनों रख लेती हूँ एंड एक ऊपर से भी ले लेते हैं। ये आया है हमारा कंपैटिबिलिटी। ओके, तो ये कार्ड्स हैं, आई होप आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊं आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन आप लोगों को सेक्सुअली बहुत मिस कर रहे हैं, फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था जिसमें आप दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे का साथ में टाइम कैसे निकल जाता था आप दोनों को पता ही नहीं चलता था, उस टाइम को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस सेपरेशन के ड्यूरिंग उन्हें रियलाइजेशन होने लगा है कि आप के साथ उनका कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन या सिर्फ टाइम पास या सिर्फ इस जन्म का नहीं है, आपके साथ उनका कनेक्शन जन्मों जन्मों का है। एंड डेफिनेटली अब वो इस रिश्ते में, यहाँ पे सेक्सुअलिटी है, यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम है और यहाँ पर सोलमेट्स है, इस रिश्ते में अब वो चाह रहे हैं रीयूनियन, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। रीयूनियन सिर्फ टेलीपैथिकली नहीं, आपको मिलना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं, आपको हग किस करना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक जर्नी को शुरू करना चाह रहे हैं। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत शाइन कर रहे हो, आपने बहुत इनर वर्क किया है अपनी लाइफ में, काफ़ी ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़े हो और काफ़ी ज़्यादा आप शाइन कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आप शाइन कर रहे हो आप अपने पर्सन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड उन्हें बहुत अफसोस है अपनी गलतियों पर, काफ़ी पछतावा है जो उन्होंने मिस्टेक्स की। एंड डेफिनेटली द डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ये किस तरह से आपके बिना अशांत और परेशान फील कर रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लाइफ में क्या करें और क्या ना करें। आपके साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में दोबारा से आना चाहते हैं। द गार्डनर, एक माली की तरह गार्डन को, बगीचे को सजाना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर अब इन्हें रिश्ता रिक्रिएट करना है तो इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, एंड वो एफर्ट्स डालने के लिए अब आपके पर्सन ऑलमोस्ट रेडी हैं, क्योंकि अब उन्हें आपके बिना जीना गवारा नहीं है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में और आपके साथ आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं,
आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। द डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी है कि आपके बिना उन्हें लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और आपके साथ बिताए गए मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं टैरो डेक से, राइडर वेट टैरो डेक से, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं। आपके साथ वो कुछ मिलकर नया क्रिएट करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कर देना चाहते हैं, और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी से गाइडेंस ले रहे हों, एडवाइस ले रहे हों आप दोनों के कनेक्शन को लेकर कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। बॉटम में है द एम्परर। अगर आप दोनों के रिश्ते के में दूरियों की वजह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनका अहंकार था, तो अब उनका अहंकार तो एटलीस्ट टूट चुका है। अब वो डाउन टू अर्थ हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अभी भी हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना चाहते। एरीज़ की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 3, 12, 21, 30 नंबर आप में से कई लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए अपने आप डिवाइन जो है ना कार्ड्स भेज रही है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ घर गृहस्थी और बच्चे चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं देन डेफिनेटली उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपके पर्सन अब आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आपके हस्बैंड और आपके वाइफ या फिर आप अगर किसी और से कनेक्टेड हैं वो पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपको और आपके बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं बाय हार्ट। सन की एनर्जी है, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है डिवाइन की ब्लेसिंग से। आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है। 4, 22, 13, 31, 119, 28, 10 कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ एक सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। टेम्परेंस का कार्ड है, यही सोचकर आपके पर्सन थोड़ा सा धैर्य रख के बैठे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रीयूनियन चाहते भी हो या नहीं, क्योंकि तभी वो एश्योर होकर स्टेप लें, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। पेज ऑफ वैंड्स आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ ढेरों बातें करना चाहते हैं, आपके साथ दिल का हाल बयां करना चाहते हैं। पहले से काफ़ी हील हो चुके हैं, बैलेंस्ड हो चुके हैं। लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है, आपके पर्सन्स के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। 2, 11, 29 and 20 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। द फूल आपके साथ रोमांटिक साइकिल को शुरू करना चाह रहे हैं, केयर फ्री होकर इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और राइट टाइम मिलते ही मौके पे चौका मार देंगे ये पर्सन और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अब मैं चेक कर रही हूँ कि ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे, रियूनियन का एक्शन। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कब तक लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रियूनियन का एक्शन द हर्मिट, फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट, सेकंड आया है 10 ऑफ वैंड्स। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अकेले जीना इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है, बस इनके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है रियूनियन का एक्शन लेने की। लेकिन ये हिम्मत इनके अंदर अभी एकदम से नहीं आएगी, ये हिम्मत आने में इनको 7 से 8 हफ्ते या 7 से 8 महीने लगेंगे कि जब इनके अंदर रीयूनियन करने की हिम्मत आएगी और फाइनली आपके पर्सन रीयूनियन करेंगे। अभी आपके पर्सन बस सोचे जा रहे हैं, आपको मिस करे जा रहे हैं, आपके बिना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ओवरबर्डन, ओवर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं,
लेकिन स्टिल कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, स्लो एंड स्टीडी नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि मैम 7 से 8 महीने कौन रुकेगा, हम तो इतना वेट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन, एंड ये रीडिंग भी जो है जनरल है, तो जिसको वेट करना है वो डेफिनेटली करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। लेकिन जो टाइम फ्रेम आया है एग्जैक्टली मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा क्रिएट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्शन लेने की हिम्मत इनमें अभी भी नहीं आ रही, अभी भी चीज़ें स्टक हैं। क्योंकि मैं रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती हूँ, देखिए ये 3 कार्ड्स नेगेटिव हैं और उसके बाद एक पॉजिटिव कार्ड आया है, तो भी एकदम से कोई एक्शन नहीं आएगा, इनकी तरफ से एक्शन लेने में लगेगा टाइम। तो मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है मैं ये चेक कर देती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मीनवाइल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जिसको फॉलो करके एंग्जाइटी डे एंड नाइट सोचते रहते हो, रात को सो नहीं पाते। तो इस एंग्जाइटी से बाहर निकलो, जितना पॉजिटिव आप होगे उतना ही पॉजिटिव आपके पर्सन होंगे, और देन डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करना होगा, एंग्जाइटी से बाहर निकलना होगा, पॉजिटिव बनना होगा, होपफुल बनना होगा, कॉन्फिडेंट बनना होगा। सो मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।